जेएनयू मामले पर राहुल गांधी की किरकिरी लगातार जारी है और बीजेपी नेताओं के लगातार निशाने पर भी हैं। जेएनयू जाना लगता है राहुल को महंगा पड़ गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर कोसा और राहुल को लगातार अपने निशाने पर रखा। इस देश में अभी एक अजीब प्रकार का माहौल है। हमारी पार्टी उसकी स्थापना का मूल कारण ही विचारधारा और राष्ट्रवाद। अभी देश में एक अजीब प्रकार की बहस छिड़ी है। राष्ट्रद्रोही नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कपड़े पहनाने का एक प्रयास हो। इस देश के राजधानी के अंदर किसी विश्वविद्यालय के अंदर भारत के एक टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। अक्सर मानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ता को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? शोर से मुझे मानते हैं मित्रों? अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है? और राहुल गांधी जी, आपको मालूम नहीं है इस देश का युवा इस देश की एक इंच जमीन के लिए भी अपना जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार होता है। आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हो और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को आह्वान करता हूं, देश भर में जहां जहां कांग्रेस के लोग लोगों के बीच में आए, युवा मोर्चा पूछे कि इन नारों से आप सहमत हैं क्या? घर घर पे जाके हर कॉलेज में, हर शाला में, हर विश्वविद्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलग चुका है। राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रद्रोह क्या होता है, इसकी व्याख्या अगर आजादी के इतने सालों के बाद करनी पड़ती है तो बहुत बहुत कम नसीब होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस नारों को अगर अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए कि वो इनके साथ सहमत है या नहीं। मित्रों, युवा मोर्चा का इतिहास भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जितने आंदोलन हमने करे, सारे के सारे आंदोलन राष्ट्रभक्ति के लिए थे, राष्ट्र के देश के काम के लिए। सबसे पहले आंदोलन किया गौ हत्या पर प्रतिबंध का, उसके बाद में आंदोलन किया कच्छ सत्याग्रह का, गोवा की आजादी का, हैदराबाद की आजादी का, उसके बाद में आंदोलन किया इमरजेंसी के खिलाफ, उसके बाद में आंदोलन किया कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा का, उसके बाद में आंदोलन किया राम जन्मभूमि की मुक्ति का। ये सारे आंदोलन देशभक्ति से कमजोर और युवा मोर्चा हमेशा इन आंदोलनों में युवा की तरह आगे रहा। मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं कि देश के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो और भारतीय जनता पार्टी को माध्यम बनाकर देश के अंदर एक नई चेतना, राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाने के लिए युवा मोर्चा अपनी। और मोदी जी ने सरकार बनने के बाद तिजोरी के सतह आ गई थी, ऐसा नहीं है, सतह के अंदर भी गड्ढे हो गए। उस स्थिति में देश संभाला और दो साल भी नहीं हुए देश में चमत्कारिक परिवर्तन आने की शुरुआत हुई है। मित्रों, कई सारी ऐसी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की जिसके कारण आजादी के इतने सालों तक
गांव में विकास नहीं पहुंचा था, गरीब तक विकास नहीं पहुंचा था, किसान तक विकास नहीं पहुंचा था, वो पहुंचाने का जरिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। देश के सब, दुनिया के सबसे युवा देश के लिए मोदी जी को मालूम है क्या कार्यक्रम लेने हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कई प्रकार के कार्यक्रम देके युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, बड़ा आदमी बनने का स्वप्न दिखाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और युवा वो रास्ते पे चल पड़ा है। मित्रों, आजादी के इतने सालों के बाद भी देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से 20 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों समाप्त कर दिया है और आज गरीब के घर में आजादी का फायदा पहुंचाने का जरिया पहुंचा दिया है। उनको सिर्फ 12 रुपये में बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है और इस बजट के अंदर कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर मोदी सरकार आई है जिससे गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने की शुरुआत। देश का किसान सालों से कितनी सरकारें आई और गई मगर कोई प्रकार की सुविधा महसूस नहीं करता था। जब उस पर आपदा आ जाती थी तो ऊपर भगवान होता था और नीचे धरती मां होती थी, बीच में कोई मदद नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर एक नई दिशा देने का प्रयास किया है और किसानों के लिए समृद्धि के रास्ते खोल दिए हैं। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्रधानमंत्री इरीगेशन योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हर योजना के अंदर सीधा किसान को फायदा हो, इस प्रकार की बात करी। देश के अर्थतंत्र की पटरी, जो गाड़ी जो पटरी पर से उतर गई थी उसको प्रधानमंत्री जी ने पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। आज 7.6% के जीडीपी के साथ हम दुनिया में सबसे ज्यादा विकास करने वाले देश बन चुके हैं जो काफी पिछड़ चुके हैं, ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है। मित्रों, युवाओं के लिए कार्यक्रम, किसानों के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम, दीनदयाल ग्रामीण विद्युत योजना के माध्यम से हर गांव के अंदर बिजली पहुंचे 2018 तक, ये लक्ष्य लेकर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दिया है, 80 लाख रुपया हर गांव में पहुंचने वाला है। मित्रों, 21 करोड़ रुपया हर कस्बे में पहुंचेगा जिससे ग्रामीण विकास को ज्यादा सुदृढ़ कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 2,70,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, सरकार ने कई सारी योजनाएं कही, आपके सामने सरकार के मंत्री भी आएंगे, मैं उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर सबसे बड़ा काम अगर मोदी सरकार ने कोई एक किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आज देश की सीमा पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भाई हेमराज की तरह हमारे जवान का सर काट कर ले जाए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं कुछ दिन पहले कांग्रेस के किसी नेता का भाषण सुन रहा था और भाषण में उन्होंने कहा मोदी जी कभी कभार देश में आते हैं, विदेश ज्यादा जाते हैं। भैया, आप जरा आंकड़े तराश कर दीजिए, आंकड़े जांच लीजिए, मनमोहन सिंह जी से कम विदेश दौरा नरेंद्र भाई ने किया है। मगर आपको ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को ज्यादा लगता है, इसका एक कारण है क्योंकि मनमोहन सिंह जी पहले विदेश जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए और कब वापिस आ गए, वो देश को भी मालूम नहीं पड़ता था। और नरेंद्र भाई जाते हैं
नरेंद्र भाई जब जाते हैं हजारों हजारों का हुजूम दुनिया भर में भारत को सम्मानित करने के लिए उनके स्वागत में खड़ा होता है, इसलिए आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। और मित्रों, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, रशिया हो, जापान हो, लंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, मोदी जी का जो स्वागत होता है वो नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, वो देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, जब नरेंद्र भाई जाते हैं तो 125 करोड़ की जनता का सम्मान होता है। और आप हमें पूछते हो कि विदेश जाकर क्या कर आते हो। पहले जब आपके प्रधानमंत्री जाते थे, मौनी बाबा जब विदेश जाते थे, हाथ में 2 पन्ने अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे और टाइप किया हुआ भाषण कर वापिस चले आते थे। कभी कभार तो पन्ने भी बदल जाते थे, थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ लेते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे। और नरेंद्र भाई जाते हैं यूएन की जनरल असेंबली में और डंके की चोट पर इस देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा में संबोधित करता है तो देश के युवा की छाती गदगद फूल जाती है। पूरी दुनिया में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी दुनिया में हिंदी को जानने वालों की पूछताछ बढ़ गई है। नरेंद्र भाई यूएन में जाते हैं और कहते हैं मैं उस देश से आया हूं जिस देश में जो कुछ भी अच्छा होता है सबके लिए होता है। मेरे पुरखों ने एक ऐसी पद्धति को संशोधित किया है जिसके माध्यम से दवाई वगैरह का जीवन संभव है, मन का कल्याण संभव है, आत्मा की ऊंचाई संभव है, शरीर का स्वास्थ्य संभव है। ये विद्या हमारे पुरखों ने निजात की है, योग विद्या। और वो जब प्रस्ताव करते हैं कि पूरी दुनिया योग के रास्ते पे आगे बढ़े और एक दिन तय कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक ही महीने के अंदर 170 से ज्यादा देश उसका समर्थन करते हैं और आज पूरी दुनिया योग के रास्ते पे मित्रों चल पड़ी है। इसको कहते हैं नेतृत्व। आप हमें मत समझाइए कि नेतृत्व किसको कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री नामित होने के बाद और प्रधानमंत्री होने के बाद गौरव से त्रिपुंड लगाकर गंगा किनारे जाकर गंगा की आरती करता है और मां गंगा की श्रद्धा को पुनः प्रस्तापित करने का प्रयास करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है जो निसंकोच पशुपतिनाथ जाकर पूजन अर्चन कर देश की शुभकामनाएं नेपाल को देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। आप हमें मत समझाइए कि देश किस रास्ते पे ले जाना है। हमें मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है युवाओं के लिए। हम चाहते हैं कि देश के अंदर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे बने। हम चाहते हैं आईटी प्रोफेशनल सबसे ज्यादा अच्छे बने, सबसे ज्यादा बने। हम चाहते हैं ईटी की दुनिया में क्रांति करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति के लिए यहां से वैज्ञानिक बाहर निकले। मगर हम साथ में चाहते हैं कि हमारा आईटी प्रोफेशनल दुनिया में सबसे ज्यादा तजज्ञ हो, ईटी का प्रोफेशनल सबसे ज्यादा तजज्ञ हो, मैनेजमेंट का प्रोफेशनल सबसे ज्यादा तजज्ञ हो, मगर उसकी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और हम सरकार को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मित्रों, युवा हमेशा
परिवर्तन का वाहक है। हम सब भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, मैं आज यहां आप सबसे बात करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समय की पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है, वो सरकार ऐसा मानकर मत चलिएगा कि हमारा काम समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के अंदर महंगाई तो कम कर सकती है, दुनिया में देश का सम्मान तो बढ़ा सकती है, सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है, दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर ला सकती है, सबसे ज्यादा कृषि दर ला सकती है, गरीबों का उन्मूलन करने की शुरुआत भी कर सकती है, मगर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाना है, तो 5 साल की सरकार नहीं चलेगी, 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आए, ये बहुत जरूरी है। और मित्रों, ये लाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है।